जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, पेट के फूलने की समस्या काफी आम समस्या है। पेट तब फूलता है जब आपकी छोटी आंत में गैस जमा हो जाती है। जब छोटी आंत में गैस जमा होती है तो पेट तंग और फूला हुआ दिखने लगता है, फूला हुआ प्रतीत होने लगता है। कई बार पेट फूलने के साथ साथ आपको कई अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि पेट फूलने के साथ साथ ऐठन आ जाना, उपकाई यानी कि उल्टी जैसा मन होना, दर्द होना, दस्त होना या फिर सांस का फूल जाना, कभी कभी पीठ में दर्द भी हो सकता है। तो पेट फूलने की समस्या काफ़ी आम है और इस समस्या से काफ़ी लोग ग्रस्त हैं। पेट फूलने के और भी कई कारण हैं। पेट फूलने के अन्य मुख्य कारणों में कब्ज होना, पेट का अल्सर हो जाना, डिप्रेशन, अवसाद, धूम्रपान, बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान करना, अत्यधिक मात्रा में खाना खा लेना, बदहजमी होना या फिर महिलाओं में पीरियड से पहले आने वाले बदलाव के कारण भी पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो पेट फूलने की समस्या काफ़ी आम है और इस समस्या को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आंत में फंसी गैस को सोच के जरिए आप बाहर निकाल दें, सोच के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करें। यदि आपको ऐसा कुछ करने में सफलता नहीं मिल रही है तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पेट फूलने पर किए जाने वाले आसान घरेलू उपायों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनसे आप पेट फूलने पर, एसिडिटी होने पर, गैस होने पर इन आसान घरेलू उपायों से इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ में वायु नाश करने के अद्भुत गुण होते हैं, एसिडिटी दूर करने के अद्भुत गुण होते हैं। ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करती है, दर्द को कम करने में सहायता करती है। सौंफ में प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक्स गुण होते हैं, रोग नाशक गुण होते हैं और इसीलिए यह पेट में पाचन संबंधित समस्याओं को तेजी से दूर करके पेट फूलने जैसी समस्या को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो इसके लिए आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबा कर खा लीजिए या फिर एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर 5 से 10 मिनट तक आप इसे उबाल लीजिए और फिर इसे छान कर ठंडा करके चाय की तरह सेवन कीजिए। इसका सेवन आपको दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। नियमित रूप से सौंफ के पानी का, सौंफ के अर्क का प्रयोग करने से पेट में एसिडिटी, पेट फूलने जैसी समस्या से मुक्ति मिलने लगती है। अगला उपाय है पुदीना। जी हाँ दोस्तों, पुदीना में मेंथॉल ऑयल पाया जाता है जो पूरे पाचन तंत्र की मांसपेशियों को शांत करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। साथ ही साथ यह पेट की गैस को सोच के जरिए बाहर निकालने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। तो पेट फूलने की समस्या से तुरंत यदि आप राहत पाना चाहते हैं तो पुदीना की कुछ पत्तियां, ताज़ा पत्तियां चबाकर खा लीजिए या फिर पानी में पुदीना की पत्तियां डालकर उबालकर इसकी चाय तैयार कीजिए और दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन कीजिए। नियमित रूप से पुदीना की चाय का सेवन आपके पेट में बनने वाली गैस, एसिडिटी और पेट में फूलने जैसी समस्याओं से आपको निजात दिलाने में मदद करेगी। अगला उपाय भी काफ़ी आसान है। अगला उपाय है अदरक। जी हाँ दोस्तों, पेट में गैस होना, पेट की गैस और फूलने की समस्या को ठीक करने के लिए अदरक का प्रयोग भी काफ़ी प्राचीन है। इसमें कई सारे एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, खासतौर से जिंजरऑल और सोपग्वाल, जो कि आंत में इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, मांसपेशियों को शांत करने में अदरक काफ़ी उपयोगी होती है। तो इसके लिए आप एक कप उबलते पानी में 3-4 अदरक के कटे हुए टुकड़े डालिए और इसे ढककर 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए। अब इस पानी को छान लीजिए, इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर इसका चाय की तरह सेवन कीजिए। दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन आप कर सकते हैं या फिर खाना खाने के पहले ताज़ा अदरक को छील कर इसका सेवन कीजिए। आप अपनी सब्जी में भी अदरक को सम्मिलित कर सकते हैं, तो सब्जी में भी अदरक की मात्रा, अच्छी मात्रा डालकर आप सब्जी का सेवन कीजिए या फिर आप रोज़ाना 1 चम्मच अदरक पाउडर का सेवन भी कर सकते हैं। अगला उपाय है कैमोमाइल टी। जी हाँ दोस्तों, कैमोमाइल टी भी पेट की फूलने की समस्या को तेज़ी से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पास्मेटिक गुण पाए जाते हैं जो कि पेट के दर्द को शांत करने में भी मदद करते हैं, पेट की खराबी को ठीक करने में मदद करते हैं। तो इसके लिए आप एक कप उबलते हुए पानी में एक
कैमोमाइल टी बैग डालिए और आप इसे ढककर आप 10 मिनट के लिए उबलने दीजिए। अब इस टी बैग को निचोड़कर अलग कर लीजिए पानी में। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा शहद मिलाइए, थोड़ा नींबू का रस मिलाकर इसका आप सेवन कर सकते हैं। इस चाय का दिन में 3 से 4 बार सेवन करना काफ़ी उपयोगी माना जाता है, तो आप कैमोमाइल टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला घरेलू उपाय है काला जीरा। जी हाँ दोस्तों, काला जीरे में भी एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, एंटी एसिडिटी गुण इसमें होते हैं और इसमें कई प्रकार के ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि पेट और आंत की मांसपेशियों को आराम देने में मददगार साबित होते हैं। पेट में और आंत में फंसी हुई गैस को बाहर निकालने, पेट फूलने की समस्या से तुरंत आराम देने के लिए काला जीरा काफ़ी उपयोगी माना जाता है। एक रामबाण औषधि के रूप में इसे उपयोग लिया जाता है। तो यदि आप बार बार पेट फूलने की समस्या से परेशान हैं तो आप हमेशा अपनी जेब में थोड़ा काला जीरा रखिए और दिन में कई बार एक एक चुटकी चबाकर काला जीरा खा लीजिए। यदि आपको काला जीरे का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इससे बने बिस्कुट का सेवन भी कर सकते हैं या फिर आप काले जीरे को पीसकर उबालकर चाय बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनसे आप पेट फूलने की समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। आशा है आप इन उपायों से सहमत होंगे और आप इन उपायों को करके ज़रूर देखेंगे। तो आप इन उपायों को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।